सुनो, मैं तीर्थ यात्रा को जा रही हूँ। बड़ी खुशी की बात है ना? अरे क्या खुशी की बात है, मौसी वापस भी तो आ रही है। क्यों मौसी? हाँ हाँ। सुन माला, आटा चावल तेल घी सब नाप तोल कर रख दिया है, जब तक मैं ना आऊँ जिस तरह भी हो गुजारा करना है। अच्छा, कोठरी को ताला लगा दिया है और ये कोठरी की चाबी। और ये चाबी हजम मौसी आएगी लोहार बुलाएगी। क्यों मौसी? हाँ हाँ शाबाश। और सुन, 10 से दूध रोज मुकंदे हलवाई को दिया ना। अगर पाव आध पाव बच जाए तो? वो तुम दोनों के चाय पानी के लिए, तीनों के लिए। मौसी जब कमला को घर में लाए हैं तो जो हम खाए पिए उसे भी तो देना चाहिए। दो मेरी बला से, ये अंधी मुसीबत हमारे गले पड़नी थी, पड़ गई। मौसी कमला सुन रही है तो मैं भी तो उसे ही सुना रही हूँ। दुर्गा, तरस आता है कमला पर, मगर करे तो क्या करे, राम जाने कब उसके दिन फिरेंगे। जिस दिन इसके घर वाले के मन में दया जागे, अब कोई मेरा सामान उठाएगा कि नहीं। चलो नैनीताल के रहने वाले हैं। नैनीताल? गुल्लू तू क्या सुनता लड़कियों की बातें, चल जा। तो उन दिनों तुम्हारा प्राणनाथ तुम्हारे मामा के पास हकीमी सीखता था, दिन भर दवाएं पीसता था, घर का काम काज करता था, मगर जब मौका मिले तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर कुछ कह जाता था, मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता था। तुम चश्मे की गर्द को पोंछकर कहती थी, मैं कुछ नहीं समझी, बुद्धू कहीं की। सच भैया,
मैं कुछ नहीं समझती थी, मगर एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। सुनो जी, ये मुझे देखकर तुम्हारी आँख क्यों निकल जाती है? ये क्या दिल लगी है? दिल की लगी है जी। और मुझे देखकर ये ताश का पत्ता क्यों कलेजे से लगाते हो जी? ये पत्ता आपकी तस्वीर है जी। देखिए पान की बेगम, एक और है जी। और भी है जी। कहां तक छीनिएगा? और इस तरह मेरे पास कई पान की बेग में जमा हो गई। अरे पान की बेगम, उसका नाम चिड़िया का गुलाम रख दिया होता। लेकिन मैं तो धीरे धीरे खुद ही गुलाम बन गई। और एक दिन मैंने चाय का प्याला लेकर अंदर हाथ बढ़ा के पूछा, मामा चाय चाहिए? हाँ कमला, चाय चाहिए। मेरा हाथ छोड़ दो जी। तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी जी। मैं मामा से कह दूंगी जी। तुम मामा से नहीं कह सकोगी जी। आने दो मामा को, मैं कह दूंगी जी। मामा आ गए। कमला आपसे कुछ कहना चाहती है। वो मैं बाद में सुनूंगा। सजा और दे लीजिए, मगर एक बार फिर माफ कर दीजिए। फिर ऐसा नहीं करूंगा। तो कान खेंच। चल इधर आ, बैठ बैठ इधर। अरे कमला, एक कटोरी ला, चम्मच भी लाना साथ में। रबड़ी खा मर। देख बेटा, जिंदगियां यूं ही तबाह हो जाती हैं। तुम चुप रहो। शुरू शुरू में कौड़ियों से खेलने वाले आखिर में द्रौपदियां दांव पे लगा देते हैं। मैं जो बिगड़ता हूं तो तुम्हारे फायदे के लिए, मुझे तुमसे बैर थोड़ा ही है। खा रबड़ी, खा ले। अच्छा मैं स्नान कर रहा हूं, तू खा। से कहा नहीं। खैर से कहे बगैर ही अच्छी खासी मरम्मत हो गई। हाथ सूज गया है। इसी हाथ से तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना? दर्द होता है? बहुत दर्द होता है कमला। और तो कुछ कर नहीं सकती, इन जलते हुए अंगारों से अपना हाथ भी जला लेती हूँ।
तरह एक दिन मामा को पता चल गया और उन्होंने समझा बुझाकर जितनी जल्दी हो सका हमारी शादी कर दी। मेरी सास ने 10,000 रुपए मांगे तो मामा ने पूरे 14,000 दिए, मगर शादी के बाद ना मैं उनके लिए पान की बेगम रही और ना ही सास को एक आंख भाई। मेरी नजर तो थी ही कमजोर, चश्मा लगा के रसोई बनाती तो वो 100-100 बातें सुनाती और आखिर एक दिन उन्होंने मुझे मामा के घर भेज दिया। एक दिन मैंने देखा मामा अकेले अंधेरे में चुपचाप बैठे हुए हैं। मामा क्या बात है आज अंधेरे में बैठे हो, बत्ती वत्ती नहीं जलाई? कमला कमला गुलाब चला गया तुम्हें छोड़कर, ये चिट्ठी लिख के रख गया जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए और खुद चला गया। कहाँ? शहर। लिखा है उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है कार्निवाल। वो क्या होता है? कार्निवाल एक खेल तमाशे की जगह होती है जहाँ खेल खेल में दौलत लूटती है, जहाँ जेबें कटती हैं, जहाँ जवानियां नाचती हैं, जहाँ इंसानों को हिरस गुमराह करती है। मुझे गुलाब से ये उम्मीद न थी कमला। और उसी रात मैंने एक शीशी जिसमें कोई जहरीली दवा थी चुपके से मामा की दवाओं से निकाली और शीशी की शीशी निगल गई। मामा हकीम थे, जान तो बचा ली मगर बीनाई ना बचा सके और देखते ही देखते तकदीर की हेटी कमला अंधी हो गई। और उसके बाद दर दर की ठोकरें। बस कर कमला, अहे तूफान, मैं जरा मियां मजनू की खबर लूं, मैं जरा बकरियां भी बांध लूं, मैं जरा कपास अंदर रख लूं। माला कहो, मैं अकेली हूं ना? हाँ। अच्छा, गुल्ला अभी तक नहीं लौटा। अच्छा, जियो मियां मजनू घर में हो? बारिश आ गई, चलो भीतर चले। वाह, बड़े गैरत वाले हो, भीगोगे मगर बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाओगे। जी हम कोई गए नहीं, तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, आओ। एक दुल्हन की काली पिटाई
जरा मेरी सूरत देख। क्या हुआ? वैसी है, मेरे बरसने से कुछ मैल धुल गई है। अरे जरा ध्यान से देख, मेरी आंखों में चमक, मेरे चेहरे पर रौनक और मेरे होंठों पे मुस्कान नजर आती है या नहीं? बात तो निराली दिखती है। क्यों, क्या हुआ? बुलबुल के पंजे से फिर बच निकले? अरे नहीं, कमला के पति का पता मिल गया है। तो लालटेन इधर ला। देख, मेरी भी सूरत देख, खिल गई ना बाछी। बता, सारी बात बता। तो आ सुन, अपनी कमला है ना कमला, उसका पति कुछ शहरी है उसके साथ, वो मोटर लारी में बैठ के नकर नकर डगर डगर घूम रहा है। हाय, गुलाब कमला को ढूंढ रहा होगा। अरे जा, वो कमीना जो बेचारी को बेसहारा छोड़कर रफू चक्कर हो गया वो ढूंढेगा। वो तो गांव-गांव सिनेमा दिखाता फिरता है। कमला? अरे सिनेमा, बाईस को पर्दे पर तस्वीरें नाचती है। हाँ, तो मंगो खबर लाया है कि वो लोग मंगल के दिन इधर आ रहे हैं। मंगो, बात सच्ची है? माँ कसम। अच्छा, तो कमला को ये खुशखबरी सुनाऊं? सुना, जल्दी सुना। अच्छा। माला, तो गीले कपड़ों समेत बिस्तर में घुस आई, ये क्या दिल लगी है भैया? कमला अजी, ओ कमला रानी जी, तू मीठा कराओ, एक ऐसी अच्छी बात सुनाओ कि आज फिर कोई नया किस्सा गढ़ लाई तू? तू तो रोज मेरे लिए कोई ना कोई अच्छी खबर लेके आती है। अब सो जा, दिन भर काम काज करते करते थक जाती है ना, सो जा, कल सुन लूंगी। कल? मतलब है कि कल तक इंतजार करोगी? क्यों, कल तक जीऊंगी नहीं क्या? जिए तो तू हजार बरस, मगर बात ऐसी है, सुन ले तो मेरा मुंह चूम ले। मुंह तो मैं तेरा हजार बार चूम लूं, लेकिन अब सो जा। हाँ मियाँ मजनू, कोई गुलाब है, वो कमला है ना कमला, उसका पति वो मंगल के दिन। माला, मंगल के दिन क्या होने वाला है बता दे। माला मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, बता दे मंगल के दिन क्या होने वाला है। तो सुन, मंगल के दिन तेरा घर वाला आ रहा है, अब तू जाग, आने वाले मंगल और मंगल को आने वाले का इंतजार कर। माला, माला तो कितनी अच्छी है, माला कितनी अच्छी है, माला 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 मेरे को क्यों मुझे क्यों तू दिखा सकती है? शर्माने लगी। माला, तुम भाई बहन कितने अच्छे हो। मैं सोचती हूँ अगर तुमने भी मुझे आसरा न दिया होता तो दुनिया में उनके छोड़ जाने के बाद मेरा कौन था। जिस प्यार से तुम मुझे सजा रही हो, मुझे माँ का प्यार याद आ गया। हाँ बिटिया रानी, तू मेरी लाडली जो ठहरी, मेरी गुड़िया। अरे मुझे माँ कहकर मेरे चरण छू, मैं तुझे आशीर्वाद दूँ? माँ, सुखी रहो बेटी, सुहाग बना रहे। दूध न हो
पूतो भलो भाभी, आराम करे, आराम करे गुलाब, गुलाब आज कमला को सराव को पे उठा ले, और कमला, कमला आज ही ससुराल चली जाए और घर में रह जाए माला, तू, गुल्लू। अरे यार मियां मजनू, तुम मर्द है क्या है? जरा सी बात पे आंखें छलकती हैं तेरी। बुलबुल, कमला, भाभी, बुलबुल सोचा ये है कि हम कमला भाभी को लेके सड़क पे जा बैठते हैं। हाँ। अरे घर में किसी से इंतजार नहीं होगा और कमला की भक्ति देखकर आने वाले की भी आंखें खुल जाएंगी। गुल्लू गुल्लू, ये बंसुरी तू बजा और ये ढोलक तू और ये मजीरा मैं बजाऊंगी। अरे हाँ, कमला भाभी का सरताज आ रहा है, बाजा तो बनना चाहिए जरूर। कैसे? गांव में मुकाम करे तो क्या हर्ज है? देखो प्यारी, मैंने रवाना होने से पहले कह दिया था कि अगर मेरे गांव में जाना हो तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है, इतने अरसे बाद तुम अपने गांव के पास से गुजर रहे हैं और घर ना जाओ, क्यों? क्यों जाऊं घर मोती भाई, वहां है कौन मेरा जो मेरी राह देख रहा हो? हमें देख लिया ना? नहीं, हमें नहीं देखा, नहीं देखा। पल में आए छिन्न आलोप हो गए, अब चलो घर चले। तुम खड़े खड़े नाचते रहे और लारी चली गई, सब तुम्हारा कसूर है। माला, किसी का कोई कसूर नहीं, ये तो सब मेरी किस्मत का कसूर है। चलो। क्यों चौधरी लच्छीराम, क्या खबर लाए? बरामद हुई शराब?
शराब तो हुजूर बोतलों में बंद है, ये बात पक्की है। और बोतलें बंद है हुजूर बक्से में, ये बात बिल्कुल पक्की है। और बक्सा बंद है हुजूर लारी में, ये बात बिल्कुल ही पक्की है। और लारी, और लारी, लारी लेकर तो वो टूरिंग टाकीज वाले सवेरे सवेरे कहीं चले गए। लच्छीराम, हुजूर तुम्हें चार सिपाही देकर किस लिए भेजा गया था? मगर हुजूर मैं खाली हाथ तो नहीं लौटा उस जगह से, कुछ ना कुछ लेकर ही आया हूँ। रमजान, वो बाकी की चीजें यहाँ रखो। देखिए हुजूर, ये डिब्बा है शिरगटों का, मगर ये शहरी लोग बड़े ही पहुंचे हुए होते हैं। ऊपर लिखा है 555, लेकिन हुजूर मैंने इसे खोल के देखा तो इसमें 30 सिगरेट से भी कम है। और हुजूर ये टुकड़ा है बोलती फिल्म का, मगर इस वक्त तो बोलती बंद है। एक चीज और देखिए, ये कोई पोस्टल वोस्टल है ड्रामे का, ये देखिए। अफसोस, कहां इस दुनिया के रहने वाले ये भोले भाले गरीब इंसान, और कहां ये शहरी भेड़िए, ये क्यों इन्हें इन दिल फरेबियों का शिकार बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं? और हुजूर हमसे कहते हैं हमारी रातों को रंगीन बनाने आए। मासूमियत के खून से होली खेलकर इनके दिल में क्या है? इनके दिल में क्या है हुजूर, इसका पता तो नहीं चलता, मगर वो जो अपने साथ बीबियां लाए हैं, वो कहती थी उनके दिल में हमारे लिए बहुत हमदर्दी है। कहती तो है हुजूर, मगर हुजूर मुझे तो इसमें कुछ हमदर्दी दिखती नहीं। कहां हमारी देवियां जिनकी शर्म से निगाहें नहीं उठती, और कहां ये शहरी तहजीब की उरियां नाचे। इन सब बातों का हमारे देहातियों के ऊपर क्या असर पड़ता होगा लच्छीराम? मैं समझूं हुजूर, असर अच्छा नहीं पड़ता है। मैं अपनी ही बात कहूं, जिस रात अपनी फूल कुमारी सलीमा देखकर आई, बस हुजूर ना सारी रात सोई ना किसी को सोने दिया। बस सारी रात कभी आर कभी पाल लगा तीरे नजर चिल्लाती रही। मोहल्ले वाले भी तंग आ गए। सवेरे जो उठी तो कहने लगी, चल मुझे भी करा दे फिल्म में भर्ती, तेरे भी पांचों घी में होंगी। और हुजूर मैं समझूं ये उसी घी का नमूना है जो अब आज रात को 8:30 बजे शाही मक्खी जूस का खेल होगा, और साथ में कोकाब की परियों का जिंदा नाच और गाना। बार बार लेके अंगड़ाई, बार बार
भीड़ है आज तो, इसका मतलब है कि एक दिन और ठहर सकते हैं। लो खाओ डार्लिंग। क्यों बेली, लाए हो शिकार? जी हाँ, आइए दिखाओ। हुजूर, हुजूर खबर मिली है कि गांव में से एक लड़की और गायब हो गई। पर्दे के पीछे से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले। हुजूर ये बात तो पक्की है कि जिस जगह ये सलीमा वाले जाकर ठहरते हैं उसी जगह ऐसी वारदातें होती हैं। चौधरी लच्छीराम, मेरा तो ख्याल है कि एक दफे छापा मार के इन सबको धर लें, शायद कोई सुराग मिल जाए। मोती सिंह, ये क्या करते हो? क्या करता हूँ, निशान लगाता हूँ। भेड़ बकरियों और दीगर मवेशियों को जलती छाप लगा दिया करते हैं, मैं भी छाप लगा देता हूँ। देवी बनती है साहब, मैम साहब तुम्हारे बच्चे चाहिए। बाबू बाबू मुझ पर तरस खाओ, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं, मैं अभागिन हूँ, मेरा मर्द मुझे छोड़कर चला गया। माँ, माँ किसे कहा? मेम साहब, मेम साहब, इस औरत का घर वाला छोड़ जाए, वो तो रास्तों की धूल के बराबर होती है। भैया मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा बिलख रहा होगा, तुम्हें अपनी माँ की कसम, बाबू मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जो तुम्हें लेके आया था वो कौन था? तेरी मेहरबानी छल्ला दे जा निशानी। छल्ला क्या, तुम्हारे लिए हाथ कंगन लाए, हाथ कंगन पकड़ लो इन्हें। कैसे चला। एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ, किसी से कुछ कहोगी नहीं और खिड़की से कूद कर हवा हो जाओगी। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। कौन भाग गया? रुक जा वरना गोली मार दूंगा। अबे कब तक चाय 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 किए जाएगा, छोड़ेगा या नहीं, तब तक मेरी जान खाएगा, ले। बेली मामा, नथु पर क्यों बिगड़ते हो? कैसे सोए बच्चा माँ के बगैर, कैसे चैन आए उसे? तो उसकी माँ कल मुही को कहाँ से लाऊं? वो तो भाग गई किसी के साथ और मुसीबत मेरे सर छोड़ गई। भगवान लड़की दे तो नेक। नथु, इस पापी की बातों का यकीन नहीं करना, तेरी माँ किसी के साथ नहीं भागी, वो तो अकेली जा रही है, दूर बहुत दूर। मेरे लाडले तू बेबस है, बाप ने मुंह मोड़ लिया, माँ दुनिया से रुखसत हो रही है। हाँ मेरे लाल, हंसकर बुझा लेना तन्हाई की घड़ियां। माला, मैं कहूँ मासी तो यहाँ है नहीं, नत्थू की माँ का जब तक पता नहीं लगता हम उसे यहीं ले आए। बेली का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, बेचारा बच्चा सहम गया होगा। तू तो दिन भर कामकाज में लगी रहती है, मुझे खेलने को एक खिलौना मिल जाएगा। ले तो आऊं, पर तू मुझे ही कहेगी, जा जा अलग सो। ना भैया, एक तरफ तू सो ना, दूसरी तरफ नत्थू को लिटा लूंगी। अच्छा बाबा अच्छा।
मोते सिंह जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, कोने में पड़ा रहता हूं, आप जो कहें ठीक है। देखिए हुजूर, ना कोई हमारा कसूर है ना कोई हमारा जुर्म, आप ले आए हम आ गए, और आप इजाजत दें तो हम चले जाएं। जो भाग गया वो कौन था? कौन था वो? लेकिन हम सब तो यहाँ मौजूद हैं। वो जो दरिया में कूद के गुम हो गया। निकाल लेंगे किसी दिन, उसे भी दरिया से निकाल लेंगे। तो फिर? फिर क्या बरखुरदार, तुम हमारे वतनी हो, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मेहमान नवाजी अपना फर्ज है, एक रात तो खिदमत करने का हमें मौका दो, कल सुबह देखा जाएगा। ले जाओ इनको। लो कमला, संभालो नत्थू को। मौसी आएगी तो देखा जाएगा। ठहरो, जरा ठहरो भैया, गुल्लू का तो इंतजार कर लो। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता, इतना करनी थी कर दी, जिसको जमानत देनी हो थाने पहुंच जाए। प्रभु, तो अब थाने जाना पड़ेगा, वो नहीं आए, मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, उनकी खातिर जहां भी जाना पड़ेगा जाऊंगी, मैं जाऊंगी। नहीं कमला भाभी, तुम क्यों जाओगी? गुल्लू मर गया है क्या? मैं जमानत दूंगा, मैं चुरा के लाऊंगा। आओ। जमानत क्या बला होती है गुल्लू? जमानत का मतलब जिम्मेदारी, पैसा भरना पड़ता है। पैसा? पैसा तो एक था मेरी सदरी की जेब में। तुम सच में देवी हो कमला भाभी, कितनी भोली हो। पैसे का मतलब रकम, और रकम का मतलब इंतजाम करना पड़ेगा। करूंगा। भाई गुल्लू, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अरे मेहरबानी तो कमला भाभी की है, उसने गुल्लू को हुक्म दिया, गुल्लू जमानत देकर तुम सबको पिंजरे से निकाल ला। चलो अब घर चले, खाना तैयार है। आओ ना। देखो गुल्लू, तुम मोती सिंह और रेवड़ी को साथ लेकर चलो, हम बाद में आएंगे। क्यों? मोती भाई का हुक्म है। अरे मारना गोली मोती भाई को। अरे कमला भाभी की आंखें पके इंतजार में। हाँ हम बाद में आएंगे, तो मोती सिंह और रेवड़ी को साथ लेके चलो। देख लड़के, लड़की का दिल नहीं तोड़ो। लड़की? मैं? लड़की मैं हूँ गुल्लू। चल मंगू, चले चलो, और निकाल अपना मोती सिंह। रेवड़ी काक मुंडेर पर बोल रहा है, वो भी आते होंगे। देख लो, मैंने इतनी जल्दी सारा खाना तैयार कर लिया है। माला सुन, कहो। तू बड़ी सुघर है, जिन सालों के घर ब्याह ही जाएगी उनकी तकदीर खुद जाएगी। लो कमला, तुम आलू धो डालो, मैं आलू मेथी की भाजी भी बना लूं। कमला हाय, आज मेरी बिटिया कितनी खुश है। अरे सुन, तुझे अपना वादा याद है ना? क्या? तूने कहा था वो आए तो मैं खुशी से पागल होकर नाचने लगूंगी। अब तो सचमुच आ ही गए, अब नाच। गुल्लू तुम्हारे कंधे मजबूत है ना? हाँ। तो मुझे कंधे पे उठा लो, मुझे उस किनारे लगा दो गुल्लू, मैं पूरा वजन नहीं डालूंगी, प्रॉमिस।
फूलो, मुझे कंधे पे उठा लो, नेकी करो गुल्लू प्लीज। अच्छा आओ। गुल्लू नेकी जरूर करनी चाहिए, बुजुर्गों ने कहा है नेकी कर दरिया में डाल। क्या कहा बुजुर्गों ने? नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा सके, उनके साथ ही आए हैं वो, कल कल जरूर आ जाएंगे। कल? कल कौन सा तूर है भाभी? आज के इंतजार में उम्र गुजर गई गुल्लू, कल न जाने आए ना आए। मैं इनके रहने के लिए जगह ठीक करूं, और तू तू इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर। अच्छा। पीने का बंदोबस्त तो पहले ही कर दिया, अब खाने के लिए जूते अनाज से दूर बाबूजी। अच्छा जी नहीं होते कमला, जब उनके साथी आए हैं तो वो भी जरूर आएंगे। कौन आया है उनका साथी? एक तो बाबू है, न टोपी न पगड़ी, नंगे सर, बाल भूतों की तरह बिखरे हुए, और हाथ में सिरगिट, जूते लेकर सीधा नाश तक चला है। माँ ने जरा भी अक्ल नहीं सिखाई। लड़की भी बड़ी अजीब है, इतनी सी तो बात है, गुलाब आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, बस फिर उदास हो गई, फिर रोने लग गई। रोता कौन है जी? तुम तो मुंह छुपाकर हंस रही थी ताकि कोई देख ना ले। तू बावरी हैरी? यही तो मैं नत्थू से कह रही थी, बावरी थी, शाम ने बिगाड़ दिया। बस इसे तो गले पड़ने को बहाना चाहिए। सुन, कल वो आए तो उसके गले इसी तरह पड़ेगी और गले लगकर रोएगी। अरे सुन, उनके साथियों को खाना वाना तो खिला दिया है ना? हाँ, मैंने खाना पका दिया, गुल्लू ने खिला दिया होगा। मुझे तो उनके सामने जाते ही हंसी आती है, खासकर उस बाबू को देखकर। मैंने बाल्टी पानी की फेंकी, उसने मुंह आगे कर दिया,
बड़ा मजा आया। सुन कल अगर गुलाब से इतनी हमदर्दी। हाँ हाँ अच्छा अच्छा मैं जाऊँ। जी क्यों मियाँ मजनू घर में हो? अजी दिल की बात हमसे कहो ना, हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, कोई गैर नहीं। क्यों सो गए सरकार? नहीं सरकार, अब तो नींद हराम जिंदगी हराम। हमने तो समझा था कि आंख लगी, न लगी आंख जब से आंख लगी। चुप। अच्छा उनको आता है प्यार पर गुस्सा और हमको गुस्से पे प्याता है। आमिया मजनू आना, मियाँ मजनू साहब छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। मैं खा के आई हूँ। बुलबुल जरा हाथ बढ़ाकर मियाँ मजनू को तो बुला लो। कौन है तू? तेरा सत्यानाश जाए। देखो जी मेरी चमड़ी जला दी। ओ, ये चमड़ी आपकी है? नहीं तो तेरे बाप की है। गलती हुई माफ कर दो। ऐसे ही छोड़ दूं बच्चों? बदला लिए बगैर माला जरा छुरी लाना। एक आध बोटी मैं भी तो नोच लूं इसकी। ये भी क्या याद करेगा किसी बुलबुल से वास्ता पड़ा है। बुलबुल? हाँ हाँ कह दो नाम बुलबुल मगर चील से कम नहीं। हाँ ना चील से कम नहीं। बुलबुल छोड़ देना मेहमान से हाथ पाए अच्छी नहीं। प्यारे तेरे मेहमान ने बेईमान ने वार किया है पहले। गुल्लू हाय मैं खूबसूरत हूं ना? अरे रेवड़ी तो बड़ी खूबसूरत है। चलिए सरकार चलिए, दूल्हा राह देख रहा है। अरे बेशरम जरा बटन तो बंद कर। चलो माला। ओ माला, माला जी। जी तुम भी चलो मेरे साथ। देखो मैं तुम्हारे साथ इस कोठरी से उस कोठरी तक जा सकती हूँ, फिर तुम जानो और तुम्हारा जीवन साथी। अच्छा लो अब तो चलो। माला माला नथु सो जाए। देख ज्यादा नखरे मत कर, नथु सो गया है। कोई और बहाना? अरे ठहर तो जरा तुम्हें सुर्खी लगा दूं। अब ठीक है चलो चलो चलो। जा कौन?
कमला जी, रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है, मैं समझा तुम सो गई होगी। कुछ कहना है जी? पूछना है। पूछो। मुझे बिसरा क्यों दिया? जिंदगी की उलझनों से फुर्सत नहीं मिलती। ये उलझने, अब इनसे मेरा क्या रिश्ता है? क्या मतलब? ये देवियाँ कौन है? ये आर्टिस्ट है। वो क्या होती हैं? कलाकार जो स्टेज पर अपना फन दिखाती है। फन दिखाती है? कैसे? स्टेज पर नाचती है। सबके सामने? नहीं, एक एक को बुलाकर। क्यों, तुम्हें क्यों शर्म आ गई? सुनो कमला, मेरी और तुम्हारी राहें अलग अलग हैं। छोड़ सको तो मेरा पीछा छोड़ दो। और अगर ना छोड़ सकूं तो? मेरी बला से क्या बिगाड़ लिया है मेरा, और क्या बिगाड़ लोगी? बिगाड़ा तो बहुत कुछ है, देख लो, तुम्हारी कमला की सूरत बिगाड़ दी, जिंदगी बिगाड़ दी है। आप क्या लक्ष्य करोगी? आहिस्ता बोलो मालिक, कहीं माला और गुल्लू ना सुन ले। तो अब मैं जाऊं? मेहरबानी। तुम्हारे पास चलकर आए थे, एक बार तो कह दिया होता कि आई हो तो जरा बैठ जाओ। बैठ जाओ। और हो मेरे मेरे पास आओ। राजा, मेरे कान एक बार फिर सुनना चाहते हैं। क्या भूल गए जो तुम कहा करते थे? तब कभी। क्या? यही कमल, ओ कमले कमलो, जब तुम आंखों से दूर होती हो तो अंधेरे छा जाते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मेरी आंखें थी, जब मैं तुम्हारी पान की बेगम थी। तुमने एक मुस्कुराहट का सहारा लेकर मोहब्बत की बाजी शुरू की, और मैंने मैंने सारी जिंदगी दांव पर लगा दी। मुझे याद आ गया, तुम कहा करते थे, कमी अपनी संदली उंगलियां मेरे बालों में फेर कि मुझे मीठी नींद आ जाए। कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, इधर आओ। आज तुम्हारे बालों में संदली उंगलियां फेरते फेरते जी से गुजर जाऊं। मेहरबानी। मान नहीं तोड़ते मालिक, औरत हिम्मत करके हाथ बढ़ाए और ठुकरा दी जाए तो फिर वो अपनी नजरों में भी जलील हो जाती है। बकवास बंद करो, मेरे पास ऐसी बातें सुनने का वक्त नहीं है। तुमने तो साथी ढूंढ लिए, अब मैं क्या करूं? तुम भी ढूंढ लो। ऐसा ना कहो मालिक, तुम्हारे सिवा मेरे लिए किसी और का ख्याल भी दिल में लाना पाप है। और ये हजारों के सामने फन दिखाने वालियां, इन्हें किस बात की कमी है? बोलो, तुम्हें पाने से पहले या तुम्हें खोने के बाद इनके कहकहों और इनकी रंगीन रातों में फर्क आया है जो आएगा? मैं इसका जवाब मांगती हूँ। यही जवाब है मेरे पास। मिल गया? मिल गया, मेहरबानी। वो रहा तुम्हारा रास्ता। मुझे रास्ता दिखा रहे हो? जाओ। फिर वापस आ गई? माला और गुल्लू तो नहीं है आसपास? कोई नहीं है। कोई नहीं, अच्छा। क्या बिगड़ जाए? और तुम भी इसी तरह मेरे मुंह पर चांटा मार के कहना, यही जवाब है मेरे पास।
कपुला कपुला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਭ ਸਮਝਣੀਆ ਤੂੰ ਖਚਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਚਰੀ ਹਾਂ आप लोग जा रहे हैं कमला ने कहा है अगर कोई भूल हो तो हमें माफ करना हम गरीब हैं आप गरीब नवाज हम गवार हैं आप तो बहुत अच्छी तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा जी अगर कोई भूल हो तो मुझे माफ करना माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ठीक है मांग ली तब मांगोगे मांग रहा हूं कर दिया माफ अच्छा कर दिया एक बात और मैं तुम्हें कोई और बात सुनाती हूँ जो तुम्हारी सुनो यही तो जुल्म करती है सुनो माला ये लोग जा रहे हैं जा सकते हैं जाएं जा सकते हैं लेकिन मैंने फैसला कर लिया है तुमने फैसला भी कर लिया है क्या फैसला कर लिया है मैं यहीं रहूंगा मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मुझे इंतजाम भी करना पड़ेगा और क्या इंतजाम करोगी बड़े मजे में हूं इंतजाम ये करना होगा कि तुम्हारा बोरिया बिस्तर माला वजह वजह ये है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं सिखाई तो माँ का कसूर है और वो मेरे पैदा होते ही मर गई तो बाप से कहते बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ ने एक दिन बोरिया बिस्तर उठाकर सड़क पर फेंक दिया यूं आज तुम फेंकोगी मैं तो यूं नहीं फेंकूंगी मैं तो आराम से उठाकर आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर रखूंगी और अपने घर का दरवाजा बंद कर लूंगी अंदर से माला तुमने मेरी मौसी को नहीं देखा वो भी यही रहती है मोती भाई मोती सिंह ठीक कहता है मैं यहां रहूं
मैं यहां रहूं तो माला आसानी से काबू आ सकती है, मगर मैं यहां रहूं तो तुम्हारा गुलाब यह नहीं चाहता कि मैं यहां रहूं। गुलाब से मैं निपट लूंगी। अच्छा यही बेहतर है कि हम जाते हैं और तुम्हें छोड़ जाते हैं। मैं वहां पहुंचकर आदमी भेजूंगी, तुम उनके हाथ पार्सल भेज देना। फिर आ गई तू? फिर आ गई मैं। फिर टसे बहाओगी? फिर टसे बहा चुकी राजा। पतियों को स्नान कराकर मैं दर्शन को आई, मैं दर्शन को आई। पतियों को स्नान कराकर मैं दर्शन को आई, मैं दर्शन को आई। टूटे मन के लेकर मन के भेंट चढ़ाने लाई, मैं दर्शन को आई। मोती सिंह कहाँ है? चलो चलने देर हो रही है। हम सब तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोती सिंह का इरादा है कुछ दिन और ठहरने का। मोती सिंह यहाँ एक पल नहीं ठहर सकता, ये कोई होटल या सराय नहीं। ऐसा ना हो हम इन लोगों को किसी मुसीबत में डाल दें। तो फिर? फिर क्या, अभी चले चलते हैं, बाद में देखा जाएगा। भाभी जा रहे हैं।
गाड़ी मोड़ ली है। उदास क्यों होते हो गुल्लू? जीत उन्हीं की होती है जिनका प्यार सच्चा होता है। ए जाने वालों, हम सच्चे हैं, हमारा प्यार सच्चा है। भाभी लो, मेरे को सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। मैंने सपने में भी यही देखा कि मौसी की अर्थी है, ऊपर वही फूलदार दुपट्टा है, और यमराज मौसी का सरहाने बैठा कह रहा है, चल उठ उठ, चल हमारी संग सजनिया, कर नहीं अब तंग सजनिया, हुए बहुत हम तंग सजनिया। और मौसी कफन फाड़ के बोली, बलमा जा 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 जा, अभी तो तेरे बाल भी सफेद नहीं हुए। कैसे होते मौसी, तेरा मन जो काला है। काला था बुलबुल, फिर गांव वाले मुझे ही कहेंगे। गुल्लू जा जा जा, जाकर जला मुर्दा मौसी का, तू ही से आग दे। और मैं कहूंगा, मौसी हाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ गुल्लू, मौसी की कोई बुरी खबर आई है क्या? तेरी कसर थी। नहीं कमला भाभी, मौसी की बुरी खबर नहीं आई, मौसी खुद ही आ गई। मौसी मौसी, हम तुम्हें बहुत याद क्या करते थे। सब सुन लिया, सब देख लिया, एक एक को पहचान लिया। गुल्लू चलो मौसी का सामान उठा लें। खबरदार जो सामान को हाथ लगाया, चल निकल यहां से। गुल्लू जाऊं? निकल यहां से, गुल्लू की बच्ची। लो जूता। क्या करूं, सौगन क्या मारा मेरे सिर में, सपना तो मैंने देखा। हाय ये मेरे दीदे फूटे, मुझे झूठे सपने दिखाई देते हैं। अच्छा झूठे सपने दिखाई देते हैं, तो तू सचमुच मेरी लाश देखना चाहता था क्यों बच्चू? अगर वो परदेसी फिर किसी दिन आ गया और तुझे अपने पास बुलाया तो उसे साफ साफ कह देना, ऐसी तोड़े कोल क्यों आए, तुसे साडे की लग दे की लग दे। इसका मतलब समझे मियां मजनू, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं, तुम मेरे होते कौन हो? माला, ओ माला, संध्या हो गई ना? चलो चलें। कहाँ चलें? ठाकुर द्वारे, सुना है घी के दिए जलाने से मन की मुरादें पूरी होती हैं। तू भी चल। चलो चलें, चलते हैं, जरा ठहरना, जरा दर्शन तो कर ले। माला, तूफान आया है शायद। घड़ी दो घड़ी इंतजार किए लेते हैं, कहीं बारिश ना आ जाए। बारिश
बारिश आ भी जाए तो क्या है, चलो चलते हैं ना भैया। बैठ। तू चाहती है भीगे बीमार पड़ जाए और तेरी बीमारी का सारा गुस्सा मौसी मुझ पर निकाले और मेरी फिर पिटाई हो जैसी कल रात हुई थी। तो क्या कल रात फिर मौसी ने तुम्हें मारा था? मगर तुमने आवाज तो नहीं निकाली। आवाज निकालने से फायदा भैया? अपनी पिटाई तो जब से पैदा हो, देख दिखाऊं पिंडली, बहुत दुखती है सच। बड़े जोर की लाठी मारी है मौसी ने, ये देख। बस बस रहने दे, रहने देना। अरे तू तो मेरी चिकरी सहेली है, तुझसे क्या पर्दा। तू बड़ी घबराई सी दिखती है, कुछ हुआ तुझे? नहीं तो। अच्छा तो ले, मिलकर भजन गाएं और गिरधारी को चिढ़ाएं, अपनी राधा की पुकार सुनकर शायद वो मौज में आ जाए। Thank you.
सुनो मोती सिंह, मेरी बात मानो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बहुत तो दोनों को उठा के ले चल। हाँ, इसका कौन देखता? भगवान। अरे मोती सिंह, यहाँ कदम रखते ही भगवान दास बन गए। कितना बदल गया शैतान। सुनो अजीत, जो मैं कहूँ वो करो। मेरे हिसाब से कहो, मैं पार्सल बहुत जल्द रवाना करूंगा। मुझे अपना तरीका इस्तेमाल करना है। समझ गए, तुम्हारा तरीका अच्छा है। हाँ, शिकार मारा कि अपना दिल ठंडा किया। देखते लो, वो पूछती मैम साहब से जाकर कहना मुझे आटे की चक्की पर काम मिल गया। अरे गांव की लड़कियां आएंगी, वहां माला भी आएगी और मैं थोड़े दिन में बहुत कुछ करने वाला हूँ। अच्छा जाओ, जाओ भाग जाओ यहाँ से। तैयारी है, नदी पर जा रही है। यूं ही सोचा मैं भी तो जवान हो गई हूँ, जरा बंठन के घर से निकलूं, कोई देखकर मुझे भी खांसे। चल पगली, ये कैसी बातें कर रही है? तू तो देवी है, तू उन लड़कियों की तरह थोड़ी है जो दुनिया को कहें हमें देखकर खांसो। क्यों, ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। माला, ओ माला, बाबू इधर तो आ। ना बाबू, मैं यहीं अच्छी हूँ। तुम्हारी आंखें क्या हुआ? मेरी आंखों को, तुम्हारी आंखें मेरी आंखों को डराती हैं बाबू। पगली, तुम्हें मुझसे डर लगता? हाँ, तुम बड़े जालिम हो। मैं कैसे? हंसी हंसी में जलती हुई सिगरेट से चमड़ी जला देते हो। तुम्हें कैसे पता चला? बुलबुल का हाथ जलाया था उस रात। अगर मैं काबू आ जाती तो मेरी चमड़ी भी जला देती, मगर मैं बड़ी चालाक हूँ, मैं काबू नहीं आती। और सुनो, मियां मजनू कहता है कि तुमने उसका हौसला जलाया था सिगरेट से। सिगरेट बाज बाज आ जाओ ऐसी हरकतों से, वरना माला कुछ कर बैठेगी। क्या करोगी माला? जान दे दूंगी और कह जाऊंगी कि मेरे जिदा को बाबू आग दे सिरगेट से। माला, तो फिर सिरगेट की आदत छोड़ दो। माला, मेरे सिर चेहरा होगा बाबू, लोग कहेंगे कि माला की मोहब्बत ने बाबू को बिल्कुल सीधा कर दिया है। वो मोहब्बत क्या हुई बाबू जो कुंदन ना बना दे माला। वो मोहब्बत क्या हुई बाबू जो कुंदन ना बना दे।
माला बाबू माला तुमने मुझे गिरा दिया। मैंने गिराया तुम्हें, तुम खुद फिसल पड़े। चलो आओ। माला मुझे भी कोर्ट में थोड़ी जगह दे सकती हो? हाँ बाबू। ना बाबू जी, बाबू जी तुम मेरे होते कौन हो? शुरू में छुप छुप देखा, देख लिया, झट आंख चुराई, धीरे धीरे आंख बचाकर, आंख मिलाकर आंख लड़ाई। ना बाबू, बाबू बाबू, ना ना बाबू। माला किससे बातें कर रही है? कौन आया रे? बाबू माला मैं सपना देख रही थी। कमला क्या हुआ रे माला तुझे? आज तो रात भर मेरे कान में खुसर फुसर करती रही है। कमला तेरे साथ रहते रहते मुझे भी वही बीमारी लग गई है। कौन सी बीमारी? प्रेम की। ये प्रेम छूत की बीमारी है कमला। अच्छा तो हमारी माला को प्रेम हो गया है, बता तो किसे? आसान है चिलमन से लगकर मुस्कुराना, बहुत आसान है चिलमन से लगकर मुस्कुराना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आकर सामने नजरें बहुत मुश्किल है। जमा
जमाने में मोहब्बत सबको हो जाती है जालिम, जमाने में मोहब्बत सब जालिम। मोहब्बत जिसको हो है, मोहब्बत जिसको हो दुश्मन हुआ उसका, जी उसका जमाना बहुत मुश्किल है। पलट कर देख कर हंस कर झिझक कर सर झुका कर, पलट कर देख कर हंस कर झिझक कर सर झुका कर, किसी का यूं मेरे हाय, किसी का यूं मेरे सोए हुए अरमा, ए जी अरमा जगाना बहुत आसान है, चिलमन से लग कर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। चलो गुस्सा छोड़ो ना, समझ लो मुझसे भूल हुई। माला, है माला, तुमने मुझसे क्यों कही ऐसी बात? मैंने सच बोला, और इसलिए कि मैंने सोचा कि एक पगली को धोखे में रखने के बजाय जो कुछ खुद ही क्यों ना बता दूं। देख माला, तुम्हारी नजरों में सिगरेट पीना पाप है, और मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, आवारा हूँ, बदमाश हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तो हंसते मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। जब तक कि तुम इंसान न बनो, जब तक कि तुम बुरी आदतें न छोड़ दो, और जब तक कि तुम किए हुए पापों का प्रायश्चित न करो, ये प्रायश्चित ये कैसे होगा जी? मेरे पैरों को छूकर कदमों की धूल माथे को लगानी होगी। अच्छा जी, कदमों की धूल माथे से लगानी होगी? मैं देवी हूं, हाँ मैं देवी हूं। चलो पूछ लो ना कमला भाभी से, हिम्मत उसके सामने जाने की। आहिस्ता देवी, डराती क्यों हो? डर भी तो गई हूं। और अपने आप को ये सजा दूंगी, आंगन से बाहर कदम नहीं रखूंगी। तो फिर मुझसे मिलने कैसे आओगी? मिलने आऊंगी, पास नहीं फटकूंगी। माला, तुम्हारी जबान कुछ और कहती है,
आंखें कुछ और। ये आंखें अब तुम्हारी सूरत नहीं देखेंगी। ये आंखें मुझे ढूंढेंगे चारों तरफ, नजर ना आया तो फूट फूट के रोएंगी, दिन रात मेरे सपने देखेंगी मारे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है गुड़िया? फिर रोने लग गई? दिल दुखता है तो कोई रोता है, ऐसे कौन रोता है? इतनी जल्दी दिल दुख गया? तुम्हारी तरह पत्थर का नहीं, नाजुक कितना है। आ जाते हैं कहीं से रुलाने, कोई बुलाने गया था। माला, अच्छा अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। माला, ये आंखें मुझे ढूंढेंगी चारों तरफ, दिन रात मेरे सपने देखेंगी माला।
लो ये रुपए। लड़कियां सामान वगैरह बांधकर तैयार हैं, जाओ जाकर इन्हें लखनऊ छोड़ाओ। कुछ रोज बाद पुलिस वाले हमें खुद ही भूल जाएंगे। मोती सिंह के हमरा भेज दो। वो जाने कब आए? कहां गया है वो? जाने कहां गया है, सुना है संन्यास ले रहा है। मोती सिंह, चलो लड़कियों। अजीत लिखो बेटा। अच्छा जी। हाँ जी। मोती सिंह, हम तो तुम्हें चीता समझते थे यार, तुम तो भीगी बिल्ली निकले। अभी तक माला का पार्सल नहीं भेजा, आज गुलाब को लखनऊ भेज दिया है। पुलिस बुरी तरह हमारा पीछा कर रही है, इसलिए हम दरिया पार चले गए हैं। सनीमा वगैरह फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि लारी की चप्पे चप्पे पर तलाशी होती थी। पार्सल कश्ती पर रखकर भेजना, लिखा? जी हाँ, पार्सल कश्ती पर रखकर भेजना। गांधी तुमसे मिलने आई है। तुम कहना क्या चाहते हो? माला, माला जी, मैं ये कहना चाहता हूं। माला, तुमने चाहना क्यों छोड़ दिया? वो इलवा सजना, वो सब क्या हुए माला? कुछ नहीं, वो सच बात है माला। अरे माला, मैं तो तेरे लिए तो जो कहे मैं कर सकता हूँ। तो मुझे एक तो लाफी मिला दे पगली। बस ये बात है, मैं दो तोले अफीम लाऊंगा, एक तोला तेरे लिए, एक तोला अपने लिए। तो पता तो सही क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ रे, जरा नखरा करने को जी चाहा था, सोचा गुल्लू का प्यार आजमाऊं। ना भैया, गुल्लू का प्यार नहीं आजमाना, मेरा ध्यान नहीं लेना। अगर मैं कहीं रह गया तो? ना, मेरा गुल्लू बहुत अच्छा है। तुम जरा घर का ख्याल रखना, मैं अभी आई। कहाँ चली? कसम तोड़ने। मालूम, मैं कुछ नहीं समझा। क्या करूं? मैं समझता हूं मुझे माला से प्यार हो गया। मुझे पता है, मैं उसे देखना चाहता हूं, चाहता हूं उसे हमेशा देखता ही रहूं। तो ठीक है, मैं माला को किसी ना किसी बहाने अपने साथ ले आऊंगी। तुम उसे देखते रहना, वो तुम्हें देखती रहेगी, और मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। कब लाओगी माला को? कल शाम को। ले आओगी? जरूर। तुम्हारे एहसान का बदला? वो तो चुकाना ही पड़ेगा। मेरे पति से कहीं मुलाकात हो तो उन्हें मेरी याद दिला देना भैया, और उनके चरणों की थोड़ी सी धूल ला देना। ला दोगे ना? हाँ। गोपाल, माला एक अच्छी खबर सुनाऊं? बाबू बहुत कुछ बदल गया है। कल उसके दोस्त दारू की बोतल लाए तो उसने बोतल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच गोपाल? वो देखो, वो चट्टान है ना, सारा सारा दिन बाबू वहां लेटा रहता है, आता मैं पीछता हूं। हाँ।
बकवास बंद कर कमीनी जलील औरत। गहूं क्या रखती है और काम क्या करती है? निकल इस घर से इसी वक्त। मासी मेरा तेरा इस घर में कुछ नहीं। हाँ मासी, मेरा तो कहीं भी कोई नहीं। मासी मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, आसरा न छीनो, माला को आ जाने दो। माला पर तेरा साया भी न पड़ने दूंगी। कमजात, ये चाल किसी और को दिखाना, चल निकल यहाँ से। और हाँ, और ले ये नथू, ये मुसीबत भी अपने साथ ले दीजा। मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? ओहो, वो है ना चक्की पर तेरा हमदर्द, जिसके पास माला को कल ले जाने का वायदा किया था, आज उसके पास खुद जाते हुए शर्म क्यों आती है? कमजात, अच्छा हुआ कुदरत ने तेरी आंखें छील ली, नहीं तो आसमान के तारे तोड़ कर लाती। निकल यहाँ से प्लेग के चूहे, तुझे बाहर फेंक कर मुझे सारे घर की सफाई करनी है। चल निकल, चल, चल निकल यहाँ से। माला जी। मौसी, तुमने उस अंधी को किसी के पास भेजा था? कमला को नहीं तो मौसी। कोई पैगाम देकर? बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ मेरी लड़की बहुत अच्छी है, वो अंधी खुद ही बदकार है। मौसी क्या हुआ? मैंने उस अंधी को अपनी आंखों से देखा है। क्या? उस अंधी को हंस हंस के एक गैर मर्द के गले पड़ते। गैर मर्द? ना 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 मौसी। हाँ हाँ हाँ, चक्की पे कवारा बदमाश शराबी आया है, राह चलती लड़कियों से छेड़खानी करता है। ना मौसी। हाँ माला, मौसी ठीक कहती है, बहुत खराब आदमी है। मौसी तुम्हें नहीं पता, जिस दिन आया उसी दिन मंगला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसका मुंह चूम लिया। फिर उस बिचारी का कोई है नहीं जो लड़ने जाता, मुझे कुछ कहता तो मेरे पांचों भाई उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं के आगे फेंक देते। वहाँ बड़ा बदमाश है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ कि मैं आया हूँ, हालांकि मोती भाई को मेरे आने की कोई उम्मीद न थी। मेरा ख्याल था। तुम्हारा ख्याल गलत था। न हम समझे रे न आप आए कहीं से, पसीना पूछिए अपनी जबी से। सुना है पुलिस वाले दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुमको सुल्तानी गवाह बनाना चाहते हैं। बनोगे सुल्तानी गवाह? अगर मोती सिंह ने संन्यास ले लिया तो कहाँ है वो? वो उसका तो पता नहीं। हाँ, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। वो चक्की पर गुंडा रहे उसके पास। वो मजलूम मुजस्समे खिलौनों की तरह खेलने वालों का शिकार बने, सौदागर नए माल की तलाश में मारे मारे फिरे। हमारी मोती बाई, हमारी मोती बाई। हाँ मोती बाई, और हमारी मोती बाई औरत होकर औरतों पर जुल्म ठाने लगी। हर इज्जतदार औरत से नफरत हो गई उसे, सोचने लगी कि क्या ही अच्छा हो कि गांव की तमाम औरतें कपड़ों से बाहर होकर बेतहाशा भागकर उसके पास आ जाएं, और वो उन्हें कौड़ियों के दम खरी सारे मुल्क की मंडियों पर कब्जा कर ले। मोती भाई,
मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी पर लानत है। अब ये धंधा ना होगा मुझसे तो मैं सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा। नामुमकिन। क्यों? गुलाम बन चुके हो। मर्द जब चाहे गुलामी की जंजीरें तोड़ सकता है। मर्द बर्दा फरोश मर्द नहीं कहला सकता गुलाब। गुलाब गुलाब गुलाब, चूहे को देखा? खुद घर छोड़कर रोटी के टुकड़े के लिए चूहेदान के गिर चक्कर लगाता है। अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, आखिर जब रास्ता मिलता है तो फिर बाहर आने के लिए सर पटकता है, मगर बाहर नहीं आ सकता। तुम उस चूहे की तरह हो अब तो। कहाँ के दैरो गरम घर का रास्ता न मिला, कहाँ के दे। गुलाब देखो तुम ज्यादा ना पिया करो, तुम हमेशा नशे में पहले तो शायरी करते हो, फिर हाथों में सर लेकर रोने लगते हो, फिर नींद में बड़बड़ा कर कहते हो कमला तुम मुझे भूल जाओ। बकवास बंद करो, तुमसे हजार बार कहा कमला का नाम ना लिया करो। तोड़ दे कसम तू भी चीते, तुम चूहे कब से बन गए हा? मैं बताऊं, जब से प्राश्चित की फिक्र हुई। ये प्राश्चित कैसे होगा जी? ये किसने कहा था? मैंने पूछा था, किससे पूछा था? बोल किससे पूछा था है? बोल मैं बताऊं, उससे जो रातों की नींद हराम करती ये कहकर चलती बनी कि आज से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। जब तक तुम ये ना छोड़ दो वो ना छोड़ दो, और मैंने उस बेईमान की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, उल्लू बनाया, माला की बच्ची ने खूब उल्लू बनाया, हटाओ जी अनाड़ी, प्यार करो तो रोने लगती, और धमकी क्या देती है कि मैं देवी, देवी जिस पवित्रता पे तुआ करती है ना, सबसे पहले मैं उसका खात्मा करूंगा, समझी? ये हुस्न वाले ये दिखते कितने भोले भाले, भोले भाले अजियो वो फूल के गाले, अजियो वो फूल के गाले। अरे इससे ज्यादा तो उस अंधी में जान है, पिंडली याद आ गई,
दिल पर बिजली कौन गई? वो है भी ठुकराई हुई, आने वाली थी, वही आ जाती। आओ बहन आओ बैठो, आग वाग जला के रात काट लेंगे। तुम मेरी फिक्र नहीं करो गोपाल, पहले जरा नथू को आराम से लिटा दो। लो ये लो कंबल और ये लो चादर, मैं रामू के घर से बच्चे के लिए दूध लाता हूँ। और हाँ, ये तुम गीले कपड़े बदल लेना, मैं आकर सुखा दूंगा। बैठो, ये रहा नथू। ये लो, ये मेरी नानी का फटा पुराना लहंगा कुर्ता है, तुम इसी से काम चला लो। मैं खिड़कियां दरवाजे बंद किए जा रहा हूं। अच्छा भैया, जरा जल्दी आना। खातिर यहाँ आकर सर छुपाना पड़ा, वरना मेरे लिए तो बेहतर यही था कि आज बारिश में भीगते भीगते ही प्राण निकल जाते। ले मेरे सुख दुख के साथी, तू कमल ओढ़ के सो, मैं जब तक कपड़े वपड़े बदल लूं। खुल गया होगा। गोपाल तेरे लिए दूध लाएगा और उसमें से आधा मैं पी जाऊंगी। नहीं रे कंजूस, सारा तुझे दे दूंगी।
हाँ हाँ हम दरवाजा बंद था इसलिए पानी से होकर के चक्की के नीचे से आना पड़ा है तूफान में। इस वक्त जी हाँ, और मेम साहब का हुक्म है माला नहीं तो मंगला, मंगला नहीं माया, जो भी हो खुद उठा करके लाना। और सुबह होने से पहले पहले मेम साहब का ख्याल है चीते में एकदम नहीं रहा। समझे, तुमसे उम्मीद अपना फजूल है। अच्छा जा जा जा, तुम अपनी किस्मत आजमाओ। जा जा छोड़ दे। क्यों, मैं जो कहता हूं छोड़ दो इसे। ये अच्छी लड़की है, ये अच्छी लड़की है। ये अच्छी है तो बुरी कौन सी है? भाग जा माला, भाग कहां जाए, भाग जाए। Thank you.
तुम में से एक भी नहीं बचेगा। प्रायश्चित हो गया माला, ये देख। चलो एक हाथ से गई तो दूसरी मिल गई। है तो जिंदा मगर बेहोश पड़ी है। चल उठा, जो मिला वही सही, उठा जल्दी कर। चलो यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। आज मोती भाई खतरे से डरने लगे। माला तो नहीं, कोई और ही परी हाथ लगी है। जान जोखिम में डाली है मोती भाई आज तो। अरे अकिल के अंधो, ये क्या उठाना है? ये तो गुलाब की बीवी है। सुनो, इसे दरिया में फेंक दो और चलो हम हवा हो जाएं। ये अंधी मुसीबत कहां लिए लिए फिरेंगे। Thank you.
दरिया में। दरिया में फेंक दूं? अगर गुलाब को पता चल गया कि हमने कमला को फेंक दिया है तो? फेंक दो इसे दरिया में। अगर गुलाब को, गुलाब को कौन सी हमदर्दी है कमला से? कमला यहाँ कैसे आ गई? चलो भाग चलो उधर से, चलो चलो। खबरदार, इन्हें कदम भी आगे बढ़ा तो वहीं ढेर कर दूंगा। मोती भाई, अब तुम बचकर नहीं जा सकती। वो गुलाब को भी जकड़ लो, वो दरिया में कूद गया है। उसकी मदद से ही तो हम तुम्हें काबू कर सके हैं, उसे तो हम इनाम देंगे। चलो ले आओ इनको। कमला, कमला, कमले, कमलू, कौन हो तुम? कौन हो? मैं तू। डरो नहीं कमला, मैं तुम्हारा गुलाब। नहीं नहीं, मैं तू। कौन है? आवाज नहीं पहचानती? कमला, कमले, ओ कमलू। सच? सच? तुम सचमुच आए हो? तुम सचमुच आए हो? कहीं आंख में चोली तो नहीं खेल रहे अंधे से? प्रभु कितने अच्छे हो, कितने सुंदर, कितने प्यारे। मैं, मेरी तो सूरत बड़ी ड्रामी हो चुकी है कमला। नहीं, मुझे मुझे साफ दिख रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो। मालिक, अपनी पान की बेगम को जेब में डाल लो। ये दुनिया बड़ी पत्तेबाज है मालिक। लो गुल्लू, आग दो माला की चिता को। माला आप दूं, आप दूं तेरी चिता को। नाम ये मजनू, हम इस काबिल नहीं। Oh, no.